हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई कि प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मान रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा पढ़ी थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय में बुलाई गई है? देखिए, जिस तरीके से हमारे मंदिरों के 100 मीटर के अंदर मांस की दुकानें, मदरा की दुकानें चल रही, उसको बंद कराने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना ने यहाँ के प्रशासन को 2 बार ज्ञापन दिया, जिसके चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ने हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा कुछ दिन पहले, मंगलवार को वहाँ पे मंदिर में। उस समय 1 घंटे के लिए वो दुकान बंद करा दी गई, इंडियन होटल जो है, उसके बाद उसको पुनः खोल दिया गया। अब यहाँ का प्रशासन तो हमारी सुन नहीं रहा, तो राष्ट्रीय हिंदू सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पैदल यात्रा करके इस रविवार को सुबह 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, और जब तक पहुँच पाए वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक, तो ये मतलब जब तक पूरी हमारे बंद नहीं होता ये होटल, या जितने भी, ये नहीं कि सिर्फ एक इंडियन होटल, जितने भी मंदिरों के पास यहाँ 100 मीटर के अंदर नॉनवेज की दुकान चल रही है, शराब की दुकानें चल रही है, जब तक बंद नहीं होंगी तब तक राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना ऐसी लड़ाई लड़ती है। ऐसा क्या लग रहा है, आपकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, हम तो आपके माध्यम से भी पहुंचा रहे हैं, खुद स्वयं भी जाके कह रहे हैं। अब क्या दबाव है प्रशासन के ऊपर कि क्या भाई, किसका दबाव है, क्या राजनीतिक दबाव है, क्या किन रसूखदारों का दबाव है, क्या जो बात, जबकि ये एक्ट में है, कोई हम गलत बात नहीं उठा रहे हैं, आप जाँच करिए। आपका यह कहना है कि मंदिर बाद में आया है और दुकान बहुत पहले से, आप उसकी जांच करिए। अगर जांच आप करते हैं वो भी सच्चाई के साथ जांच करिए, अगर आप जांच करते हैं और जांच में आप उनको सही पाते हैं तो उसको रहने दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, पर जांच तो करिए, फिलहाल उसको बंद करिए, जाँच करिए। जब तक जाँच नहीं हो जाती तब तक उसको नहीं चलना चाहिए। हमारे समाज के ऊपर तमाचा है कि हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे ऊपर आप मुकदमे लगवा देंगे, हमारे ऊपर आप वो करते दबाव बनाते रहेंगे, तो इसीलिए राष्ट्रीय हिंदू सेना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रही है अपनी गुहार लेके कि किस तरीके से। अब देखिए, ये सीतापुर में नहीं सिर्फ हमारा, ये हर प्रदेश में, हर जिले में हमारा चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, बांदा में चल रहा है, और कई जगह चल रहा है। अब देखिए, बांदा में हमने शुरू किया, उसका हमको क्या परिणाम मिला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बांदा से, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं वहाँ के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से थे, उनके बेटे द्वारा इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं।